नमस्कार, संगीता अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम कश्मीरी दम आलू बनाएंगे। इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलूओं को धो करके कुकर में दो सीटी लगा ली और उसके बाद इन्हें छील करके ठंडा कर लिया है। अब हम एक कांटे की सहायता से आलूओं के अंदर इस तरीके से होल करेंगे। हमें आलू को चारों तरफ से घुमा करके थोड़ी थोड़ी दूर पर होल करने हैं। आप इन्हें बिल्कुल आर पार भी ना करें। दम आलू बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें गरम गरम आलूओं में होल करेंगे तो ये फट जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इनमें सब तरफ होल कर लिए हैं और इसी तरीके से हम सभी आलूओं में होल कर लेंगे। हमने यहाँ पर सभी आलूओं में होल कर लिए हैं। अब हम आलूओं के ऊपर आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच नमक और दो छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे। आप जौन सा भी ऑयल खाते हो आप वो वाला डालें। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आलूओं को आप हल्के हाथों से ही मिक्स करें। अब हम इन्हें सैलो फ्राई करेंगे। अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेकर के उसमें दो बड़े चम्मच ऑयल करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलूओं को डालेंगे। और अब हम आलूओं को मीडियम गैस पर अच्छे से सेक लेंगे और इन्हें इस तरीके से बीच बीच में हिलाते रहेंगे। आलूओं को हम बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे। हमें आलूओं को गुलाबी होने तक भूनना है। आलूओं को हमें मीडियम गैस पर सेकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये हल्के गुलाबी कलर के हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में एक चम्मच जीरा डालेंगे, साथ ही इसमें चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। और हींग डालने के बाद अब हम इसमें एक चम्मच बारीक कटा अदरक, 5 से 6 बारीक कटी लहसुन की कलियां, 2 कटी प्याज, इन्हें हमने रफली काट रखा है, और इनको डाल करके अच्छे से भूनेंगे। प्याज को हमें अच्छे से लाल होने तक भूनना है। हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर लाल हो चुका है। अब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे और साथ ही इसमें आधी चम्मच नमक डालेंगे और इन सबको अच्छे से भूनेंगे। अब हम टमाटरों को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रखा रहने देंगे। हमारे प्याज और टमाटर ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सी के जार में करेंगे, साथ ही इसमें 10-12 काजू डालेंगे और इन सबको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। हमने यहाँ पर पेस्ट को अच्छे से पीस लिया है, साथ ही इसमें हमने 2 बड़े चम्मच पानी डाला है। आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट कितना बारीक पीसा है। अब हम दम आलू की ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करके उसमें 3 बड़े चम्मच तेल करेंगे। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची जिन्हें लाल इलायची भी कहते हैं, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे और उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग डाल करके अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस समय पर हमें गैस को हल्का ही रखना है। हमारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ग्रेवी के अंदर आधी कटोरी दही डालेंगे। दही यहाँ पर हमें फ्रेश लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
हमारा दही ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और अब हम इसमें मसाले वाला पानी डालेंगे, जो कि हमारी कटोरी में थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था वो भी इस पानी के अंदर आ गया है। अब हम इन सबको जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ना निकलने लगे। मसाले को भी हमें मीडियम गैस पर ही भूनना है। इसे भूनने में भी करीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे और साथ ही आधा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें आधी चम्मच गरम मसाला डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद हमारी ग्रेवी खोलने लगी है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। साथ ही इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और कसूरी मेथी डालने के बाद अब हम इसे ढक करके 2-3 मिनट तक हल्की गैस पर पकाएंगे, जिससे कि आलू के अंदर सभी मसालों का फ्लेवर पहुंच जाए। हमारे आलू को पकते हुए हल्की गैस पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं और ये गाढ़े भी हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। लीजिए, हमारी ये दम आलू की रेसिपी तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।